सर और मदर आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल पर। मैं उड़ीसा के अंजोर डिस्ट्रिक्ट हसनपुर गांव से बारह जितने चादम साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और आज मेरे को घर से निकलते हुए 61 दिन हो गया, मतलब बराबर 2 महीने हो गया। और देखियो अपना दोस्त साथ है ना, वो कभी मेरे को छोड़ता नहीं है, जो तो अपना साथ में ही है भाई। अभी मैं कल शाम को आके रुका था भाई गोरखपुर शिव मंदिर में, तो अभी मैं वही मंदिर से निकल रहा हूँ सुबह भाई, लगभग 6:30 बजने वाला है, थोड़ा लेट हो गया। महाराज जी बोले कि थोड़ा चाय पी के चला जाना भाई, मैं बोलता हूँ ना रास्ते में किसी के बात को मैं कट कर दूंगा, लेकिन मंदिर में रुकता हूँ तो महाराज जी के बात मैं कभी भी कट नहीं करता हूँ, क्योंकि महाराज तो भगवान के साथ समान होते जैसे, तो उनका बात में मैं कभी कट नहीं करता हूँ। तो उनके बाद जब बोलते थे मैं ऐसे भी रास्ते में चाय वगैरह कुछ नहीं पीता हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से गैस हो जाता है मेरा भी ऐसे भी गैस प्रॉब्लम है, तो लेकिन उनका बात को मानना थोड़ा सही होगा, इसलिए मैं उनका बात को कट नहीं करता हूँ। तो चलो भाई अभी यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, और ऐसे भी थोड़ा बहुत धूप आ रहा है, आप लोगों को देख रहा हूँ भाई। ऐसे तो आप लोग भी पता होगा भाई कितना धूप आ रहा है, उसी धूप से आप बसने के लिए भाई पता नहीं घर पे बैठे हो फिर भी आपको तकलीफ हो रहा है, और उसी धूप से मैं भाई NH हाईवे में चल रहा हूँ भाई, सोचो भाई मेरे को कितना दिक्कत होगा, मैं कितना तकलीफ झेल के मैं यात्रा कर रहा हूँ भाई। और आज मेरे को पता है कितना किलोमीटर हो गया मेरा साइकिल यात्रा करते करते, लगभग 3500 किलोमीटर हो गया भाई, 2 महीना हो गया और 3500 किलोमीटर हो गया मैं लगातार साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। अभी क्या बोलूँ भाई, ऐसे सीधी बात बोल तो भाई वीडियो बनाने के लिए अभी मेरा मन भी नहीं हो रहा, क्योंकि भाई कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा तो भाई कैसे मन होगा। थोड़ा बहुत मतलब सपोर्ट मिल जाएगा ना अभी तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा मेरे को वीडियो बनाने के लिए, लेकिन भाई कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा यार। चलो भाई ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अभी यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा, इसे बहुत ऊपर आए और दूर से भाई दूर तकलीफ हो रहा है ना भाई, पहले इतना नहीं हो रहा था अभी जितना हो रहा है। चले मेरे भाई, चलो भाई आगे चलते हैं, फिर बहुत दूर जाना है भाई। सुबह ही खाना मेरे को मिल गया मेरे भाई, तो ऐसे भी तो आप लोगों को भाई पता होगा भाई सुबह से मैं क्या खा रहा हूँ, और मेरे को खाना ऐसे भी क्या जरूरत है, मतलब इसको खाने से मेरे का थोड़ा कुछ फ़ायदा होगा मेरा, थोड़ा और मेरे को कुछ मिल सकता है उसमें, तो आप लोग को ऐसे भी पता है मैं, क्योंकि और ऐसे भी कोशिश करता हूँ हर वीडियो में लाने के लिए, क्योंकि भाई ये तो ज़्यादा वीडियो बनता नहीं, बस उससे करता है भाई। देख लो मेरे को सुबह सुबह से केला मिल गया 30 रुपया में, 60 रुपया 12 किले को, लेकिन 30 रुपये में ले आया 6 किला, लेकिन उन्होंने 1 एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि उनको जो भी मतलब जहाँ पे मैं खाना कुछ मांगता हूँ ना उनको पता होता भाई मैं यात्री हूँ, इसके हिसाब से वो एक दो कुछ मतलब ना कुछ कहीं पर मेरे को एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत मिल जाता है, कहीं पर पूरा फ्री भी मिल जाता है, मतलब हर किसी का मतलब मजबूरी कुछ भी होगा भाई, और कोई थोड़ी ना फ्री में दे सकते हैं, इसलिए भाई जिसका जो हाल है उसके हिसाब से मेरे को वो देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं कोई फ्री मतलब पूरा फ्री दे देता है, तो चलो ये जो भी देता है। अभी बहुत भूख भी लगी है सुबह से, बहुत मतलब पेट पूरा खाली है आज भाई, पता नहीं क्यों इतना भूख लग रहा है भाई, तो पहले खा लेता हूँ पूरा सुबह से, क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं खाता था, लगभग 8-9 बजे खाता था, लेकिन अभी इतना भूख लग रहा है कि भाई खाने के लिए मैं मजबूर हो जाता है भाई, बहुत तेज़ से भूख लग रहा है, तो पहले मैं खा लूँ मेरे भाई। चलो भाई मेरे को पहले खा ले दो भाई, फिर आगे चलेंगे मेरे भाई। मेरे भाई पिछला महीना जब मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहा था ना, तो भाई केदारनाथ बद्रीनाथ जाने से पहले मैं यहाँ दिल्ली आया था मनीष भैया को मिलने के लिए, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने स्टोरी पे डाले थे भाई मुंबई जा रहे हैं, मेरे को पता था भाई, मैंने उनका स्टोरी देखा था, फिर भी भाई यहाँ आया था, क्योंकि वो जाने के बाद वहाँ से सब रिटर्न वापस आते हैं ना, उनका स्टोरी नहीं डालते ना, तो उनका थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिला था, तो मैं सोचा भाई शायद वो आ जाएंगे, ऐसे सोच के मैं तो आ गया था, लेकिन भाई उस टाइम पर वो नहीं आए थे और उनके साथ मेरा मिलना भी भाई कैंसिल हो गया, तो उसके बाद मैं वापस यहाँ से चला गया था, और भाई भी 1 महीने के बाद फिर से वापस वही डेट पे मैं यहाँ आ रहा हूँ केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करके वापस आ रहा हूँ। और भाई देखो ये उनका शॉप है भाई, और फाइनली उनका शॉप में सामने मैं हूँ भाई, और देखो भाई कितना लोग उनके लिए मतलब उनको शायद मिलने के लिए अभी खड़े हैं भाई, अभी शायद आ रहे हैं, इसलिए वो जो सिक्योरिटी भैया है ना अभी बोलेंगे सब साइड हो जाओ, और शायद कन्फर्म तो आ रहे हैं मुझे लग रहा है। फाइनल में आज मनीष भैया के साथ मिल जाऊँगा और आप लोगों को भी भाई मिलाऊँगा लाइव, ठीक है भाई थोड़ा पहले इंतज़ार कर रहे थे वो आने तक, फिर उसके बाद हम मिलेंगे और आप लोगों को भी मिला मेरे भाई, फाइनली मनीष भैया आ गए, तो भाई चलो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ भाई। भाई देखो शायद इसके साथ बात कर रहे हैं अभी भाई, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है फाइनली मनीष भैया के साथ मैं आके मिल गया ना भाई, साथ में यार खुद यकीन नहीं हो रहा है मेरे को। Thank you.
फ्रेंड्स पे आ गए, लेकिन भाई जितना लोग हैं ना अभी उनके साथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं भाई ये थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा, मतलब गैप हो जाएगा ना, तो तब उनके साथ सही से मैं मिल पाऊँगा। भाई पता नहीं इतना दूर से तो आया हूँ, इतना दूर से इतना मेहनत करके साइकिल लेकर उड़ीसा से, लेकिन उनके साथ सही तरीके से मैं मिल जाऊँगा ना भाई, थोड़ा सही लगेगा मेरे को, क्योंकि दो बार मैं आ चुका हूँ साइकिल से इतना दूर इतना धूप में। तो अब तो भाई पता होगा अब घर पे बैठे हैं और कितना गर्मी हो रहा है, और उसी गर्मी से मैं साइकिल चला के यहाँ आ रहा हूँ। तो सही सलामत उनके साथ नहीं मिलूँगा तो भाई बहुत तकलीफ होगा यार। तो चलो भाई तब तक वेट करते हैं, शायद अभी भैया अंदर में थोड़ा उनका सबको थोड़ा अच्छा साइड करेंगे, उसके बाद मिलेंगे उनके साथ। तो चलो भाई फाइनली मनीष का बाहर आ गए भाई, चलो भाई उनके पास जाते हैं और बना के दिखाते हैं आपको भाई। भाई भीड़ तो भयंकर भीड़ है भाई, अभी फिलहाल बात करना भाई देख रहा भाई कितना लोग भाई घेरने के लिए भाई सब रेडी है भाई। और भाई आपको तो भाई पता होगा अभी गर्मी कितना है और टेम्परेचर कितना है, और उसकी वजह से भाई तो सबको भाई बहुत दिक्कत है। और अभी यहाँ से मनीष भैया भाई सबको कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं भाई, जितना भी उनके साथ मिलने के लिए आए ना तो सबको सब कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं भाई, देखो सबको दे रहे भाई। और गिफ्ट भी मिलना अभी स्टार्ट हो गया, अभी गिफ्ट के लिए भाई बहुत खतरनाक है भाई, देखो ना सिर्फ गिफ्ट के लिए बस कोल्ड ड्रिंक्स तो सबको मिल गया, बस गिफ्ट के लिए सबको भाई बहुत मतलब खतरनाक अभी सिचुएशन हो जाएगा। भाई गिफ्ट के लिए सब हरकत है भाई, बस गिफ्ट के लिए बस और कुछ भी नहीं भाई। कोल्ड ड्रिंक्स तो भाई सबको मिल रहा था भाई, सब ठीक था, मतलब देखो इतना गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स के लिए कोई मतलब चहल नहीं मच रहा था भाई, गिफ्ट के लिए भाई बहुत चहल मच गया। अभी देखो बॉस बड़े ना उनको गिफ्ट देने के लिए मनीष भाई गए थे भाई, पर भाई यहाँ तो मैं मनीष भाई के सबके पास अभी आया, जो मेरे को तो अभी तक गिफ्ट नहीं मिला, एक भैया को अभी जो गिफ्ट मिला है ना उनको बोलते हैं खोलने के लिए, अभी बोलते हैं उनको। चलो भाई क्या मिला है भैया, स्मार्ट वॉच है ना, वो अच्छा स्मार्ट वॉच है, चार्जर ये चार्जर है और स्मार्ट वॉच है भाई, तो भाई को मिल गया भाई कंग्रेचुलेशन। चलो भाई अभी ये थोड़ा वेट कम होगा तो उनके साथ हम बात कर सकते हैं, नहीं तो भाई बहुत तकलीफ हो जाएगी उनके साथ बात करना भाई, पता नहीं क्या हालत होगा मैं और जिसके लिए आया हूँ वो भी होगा कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं। तो भाई एक ही बात बोलूँगा भाई, सब कुछ मस्जिद का खेल है भाई, मस्जिद में जो होगा वही होगा भाई। मेरे पास उनके और मेरे को कहते हैं कि मेरे